ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सबका सिलसिला बाजारों का में। अब चर्चा करेंगे यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैसा सीड से। कैसा सीड का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 6486 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी बढ़ाते हैं। कैसा सीड में आज भी देख रहे हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कि जो वायदा बाजार है कैसा सीड का दिसंबर वायदा की बात करें अगर, वो 6500 से नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है। कैसे सीड की एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन डोमेस्टिकली भी एक अच्छी तेज़ी आनी जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हमने चाइना की तरफ से कैसे की अच्छी खरीदारी देखी थी, लेकिन जब से कोविड हुआ है और इंडिया और चाइना के जो बिजनेस रिलेशन हैं वो ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना की तरफ से अभी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो है, लेकिन वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। अगर भेजा जा रहा होता, एक्सपोर्ट हो रहा होता चाइना में, तो जो तेज़ी है वो और ज़्यादा देखने को मिलती। जान लेते हैं रूपा जी से कि एग्री कम्युनिटीज़ में आज कैसे सीड का वायदा बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी देखने कैसे सीड का वायदा बाज़ार आज फ्राइडे के दिन भी 6400 के लेवल्स पर कारोबार करता नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी कैसे सीड के लिए ऐसे ही एक कंसोलिडेशन वाला रहेगा, सीमित दायरे वाला रहेगा? देखिए अभी बिल्कुल कैसे सीड में अभी फिलहाल जो है वो मोमेंट थम गई है और अभी वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब तक इसका जो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी और ना ही कोई गिरावट है, तो अभी वही रेंज है इसकी 6400 से लेकर 6600 के बीच में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। डिप पर इसमें वही बाइंग की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए और अगर 6600 तक जाता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक लंबी तेजी इसमें बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक रेंज में फंसकर रह गया है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली इसमें एक तेजी बन सकती है। जी, यानी कि 6400 से लेकर 6600 की रेंज रहेगी, 6600 का लेवल अचीव होता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके चलना सही रहेगा। रूपा जी की यही राय है, क्योंकि जब तक इससे ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, इससे ऊपर का जो सस्टेन नहीं होगा तब तक एक लंबी अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2756 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 1.5% की तेजी के साथ 2765 का ही लग चुका है। रूपा जी कल को आपने 2600 का लेवल दिया था, आपका वो अचीव हुआ था, और कल के दिन ही हमने बिनौला खल में शाम के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग होते होते 4% का ऊपरी सर्किट भी लगता देखा था, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 2700 का वो भी अचीव होता नजर आया है। रूपा जी अब यहाँ से बिनौला खल में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या बिनौला खल 3000 तक की भी छलांग लगा सकता है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल में 3000 तक की तेजी जो है वो बन सकती है। अब लगातार मैंने कल भी यही बोला था कि इन लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं, नीचे आए तब भी बाय कीजिए, क्योंकि अब यही एक ऐसी कमोडिटी मुझे दिखाई दे रही थी कि जिसके अंदर अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। डिमांड अच्छे खासे निकल रहे हैं, तो अभी तो हो सकता है आपको 3000 के ऊपर अगर ये रुक गई तो और ज्यादा भी तेजी की तरफ जा सकती है। जैसे हमने पीछे भी देखा था 3100-3200 तक के स्तर आए थे, तो वो लेवल भी हो सकता है कि बिनौला खल के अंदर देखने को मिले। अभी फिलहाल यहाँ से देखिए 2800-2850 तक एक बार ऊपर जाएगा मार्केट, वहां से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद वापिस से 3000 तक के स्तर संभव है, तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग पोजीशनें बनाई जा सकती हैं। डिप पर बाय करें, अभी आज तो फिलहाल वैसे ही मार्केट तेज है, 2700 के ऊपर है, तो इसमें फिलहाल बाइंग ही है और ऊपर में 2800-2850 का टारगेट हो सकता है आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल जाए। आज इंट्राडे में भी तेजी है, 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है आपको 2800-2820 का लेवल आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखने को मिले और नेक्स्ट वीक में बिनौला खल जो है वो 3000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे। जी, तो यानी कि इंट्राडे में तो तेजी है ही है बिनौला खल के अंदर, तो आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी बिनौला खल में जो तेजी है जारी रह सकती है। रूपा जी के अनुसार बिनौला खल 2800-2850 तक के लेवल दिखा सकता है, फिर हो सकता है कि वहां से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आए और डिप पे खरीदारी करें। आज तो मार्केट वैसे ही तेज है, लेकिन डिप पे खरीदारी करके चलना ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा लेवल नीचे आने दें फिर डिप पे खरीदारी करें। रूपा जी बात करें मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं धनिया का दिसंबर वायदा 8928 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। रूपा जी धनिया में हमने 9100 के ऊपर के भी लेवल्स देख लिए हैं एक दो ट्रेडिंग सेशंस पहले, अब देख रहे हैं 8009 पर टिका हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या धनिया में आने वाले कारोबारी सप्ताह में एक बार फिर से 9100 या उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
देखिए संभव है 9000 के ऊपर के लेवल धनिया में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर धनिया में करीब 9 से 10% का उछाल देखने को मिला है, क्योंकि सप्लाई काफी टाइट है और वहीं डिमांड जो है वो काफी मजबूत है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग भी के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अब धनिया के, और आगे चलकर देखिए वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है और इससे भी घरेलू डिमांड काफी मजबूत होती दिखाई देगी। और वहीं बॉय के जो आंकड़े आए हैं उससे भी कीमतों को उछाल मिला है, क्योंकि बुआई के आंकड़े काफी कमजोर बताए जा रहे हैं। राजस्थान में पिछले साल से 55% कम बुआई बताई गई है धनिये की, और वहीं जबकि गुजरात में 45% कम बुआई बताई जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कीमतों को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उठापटक का देखिए माहौल देखने को मिल सकता है, नीचे में यहाँ से लुढ़का तो 8800 तक भी जा सकता है, लेकिन वहीं वहां से वापिस से खरीदारी आ सकती है, क्योंकि एक बार फिर से फंडामेंटल पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि धनिये को 9500 तक ऊपर ले जा सकते हैं। जी ये सर जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में देख रहे हैं एक हल्की नरमी देखने को मिली है। जो जीरा 16600 के ऊपर तक जा चुका था, अब वो देख रहे हैं जीरा 16000 के नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है 15940 पर। आपको क्या लगता है, क्या जीरे में यहाँ से अभी और करेक्शन आएगी या फिर यहाँ से निचले स्तर से कीमतों को सपोर्ट मिल जाएगा? देखिए जीरे में मेरे को पहले भी बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि तेजी ज्यादा बनेगी और सस्टेनेबल होगा, लेकिन देखिए फंडामेंटल इसका भी मजबूत और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं जीरा और धनिया दोनों ही सस्टेन थे और अब तेजी दिखा रहे थे और अब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली की तरफ जाते दिखाई दिए हैं, लेकिन वहीं जीरे की भी डिमांड जो है काफी मजबूत बताई जा रही है, सप्लाई भी इसकी भी टाइट है जीरे की भी, और जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले एक महीने में जीरे ने भी 10% तक का रिटर्न दिया है। वहीं जैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धनिये की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है वेडिंग सीजन के चलते, वैसे ही जीरे को भी सपोर्ट मिल सकता है। और एक्सपोर्ट डिमांड अक्टूबर में जरूर गिरे थे जीरे के, जिसकी वजह से ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड इसके कम है। वहीं कम बुआई के आंकड़े इसके भी कम बताए जा रहे हैं, जीरे के अंदर भी राजस्थान में अब तक 8 से 10% कम बुआई बताई जा रही है, जबकि गुजरात में 30 से 35%। तो वहीं बारिश की वजह से भी कई जगहों पर बुआई पिछड़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक बार अभी तो फंडामेंटल काफी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स लुढ़के हैं पिछले महीने, उसकी वजह से कीमतें जो है वो उठ नहीं पा रही। अब वेडिंग सीजन के चलते घरेलू मांग बढ़ सकती है और जीरे की कीमतों को सपोर्ट आ सकता है, लेकिन वही बात है कि 16000 के ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं आती तब तक इसमें लंबी तेजी नहीं बन सकती। 15000 से 16000, 16200 तक ये घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जीरे की तरह हल्दी में भी देख रहे हैं कि दिसंबर वादा 7600 का सपोर्ट पकड़े हुए हैं और उसी सीमित दायरे में है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में भी अच्छी तेजी के लिए निर्यात मांग जरूरी है? देखिए हल्दी में अप्रैल वायदा में आप देखिए 8000 के ऊपर बना हुआ है, 8400 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन दिसंबर वायदा वही 7600 पर है, काफी डिफरेंस है वायदे के अंदर। और अभी आगे चलकर जो है डिमांड मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है और मसालों में हो सकता है कि एक बार आपको दिसंबर महीने में तेजी देखने को मिले। जी सर जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10925 पर ट्रेड कर रहा है, 0.25% की करेक्शन है, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6035 पर 1% की करेक्शन के साथ। रूपा जी, जब कल की क्लोजिंग हुई थी हमने देखा था कि जो ग्वार गम है उसमें 11100 के ऊपर का लेवल देखने को मिला था, यानी कि 10900 के ऊपर सस्टेन होता नजर आया था, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से 10900 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलता नजर आ पाएगा? देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अखिलेश 10000 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो बिल्कुल इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और ग्वार सीट के अंदर 6000 सॉरी 5980 के आसपास का है, जबकि इसने वो लेवल आज तोड़ते हुए दिखाई भी दिया है, तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो घेराता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दबाव में आ रही है अब ये कमोडिटी, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो प्राइजेस थे अब लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ माल निकालना शुरू कर दिया, जिसके चलते प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत बाजार करेक्शन में जा सकता है, लेकिन वापस से उठता हुआ भी दिखाई दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपायरी भी है, इस वजह से पोजिशनें भी स्केयर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से गिरावट गहरा सकती है। जी तो यानी कि अभी ग्वार के अंदर कुछ ज्यादा खास तेजी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ग्वार में जो ट्रेड है अभी वो हाल फिलहाल में जैसा अभी चल रहा है नरमी वाला, वो अभी ऐसे जारी रह सकता है। ये सर रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की,
तो सोयाबीन के दिसंबर बाद देख रहे हैं 6827 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है, बहुत ही मामूली सी। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने क्लोजिंग होते होते सोयाबीन की कीमतों में 4% का ऊपरी सर्किट लगता देखा था और 6900 के ऊपर का हाई भी लगता नजर आया था। रूपा जी, जिस हिसाब से 6900 का हाई लगता नजर आया है और आपका भी टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब आने वाले दिनों में सोयाबीन 7000 या फिर उसका भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा का लेवल दिखा दे, जो कि किसान उम्मीद कर रहे हैं कि 8000 या 9000 देखने को मिलेगा? रही है, बिल्कुल उस तेजी के दरमियान एक्सपेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है कि आगे और प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आ सकता है और तेजी बन सकती है, क्योंकि अभी सप्लाई काफी डिस्टर्ब है जिसकी वजह से आगे अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर 7000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप 7500 से 7800 सोयाबीन के अंदर आते हुए देख सकते हैं। जी रूपा जी, यूएस से खबर निकल के सामने आई है कि यूएस के अंदर सोयाबीन का जो यूज़ है वो ज़्यादा किया जा रहा है। यूएस के अंदर वीट और कॉर्न के जो प्राइसेस हैं उनमें ज़्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से उनकी जगह सोयाबीन को यूज़ किया जा रहा है उसका अच्छे विकल्प के तौर पर। अगर यूएस में सोयाबीन का जो खपत है वो ऐसी जारी रहती है, तेजी देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है इसका असर भारतीय सोयाबीन की कीमतों पर कितना पड़ता नज़र आ पाएगा? देखिए, अभी जो है पहले ही विदेशी बाजारों में सप्लाई तंग है और अगर डिमांड और ज्यादा पिकअप होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और विदेशों में अगर तेजी आती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चल के कीमतों को और ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो फंडामेंटल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो काफी हो सकता है कि इसको सपोर्ट दें, जिसके चलते कीमतें आगे चलकर 8000 से के ऊपर के भी स्तर दिखाते हुए नजर आए। जी जैसे रूपा जी, बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो सोयाबीन में तेजी के चलते हमने रिफाइंड सोया तेल की भी कीमतों को सपोर्ट मिलता देखा है, आपको क्या लगता है आगे जाके रिफाइंड सोया तेल में कीमतें कहां तक जा सकती हैं? सोयाबीन में कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे नहीं दिखता है। छुटमुट देखिए, अगर सोयाबीन इतना ज्यादा तेज होता है तो छुटमुट अपसाइड बन सकता है और जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हम 1200 से 1250 के आसपास देख रहे हैं जनवरी वायदा, वो 1250 से 1300 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार आ रहे हैं, जिनके सवाल राम रतन जी हैं, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। ये चने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चने का बाजार आगे कैसा रह सकता है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चने के बाजार में मंदी है, इनफैक्ट पूरे दलहन बाजार में हमने मंदी आते हुए देखी है, तो क्या आने वाले समय में 2022 की शुरुआत में चना और अन्य दालों में कुछ हल्की तेजी बनती नजर आ सकती है, जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं कि शादी ब्याह का जो सीजन है वो शुरू हो गया है और थोड़ी खपत बढ़ जाएगी? देखिए, बहुत ज्यादा भी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि अच्छे खासी सप्लाई भी है, तो अभी वेडिंग सीजन के चलते एक भारतीय बाजारों के अंदर एक डिमांड जरूर हो सकता है पिकअप हो और आगे विंटर सीजन की भी एक डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी तेजी में नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 2022 की शुरुआत में भी दालों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन की बात करें अगर, तो जो दर्शक है हमारे वो लगातार सोयाबीन के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। अब सोयाबीन में हमने तेजी तो आते हुए देखी है, लेकिन किसानों को ये भी जानना होता है कि सोयाबीन में जो तेजी है कब तक बन पाएगी और तेजी कब तक बन पाएगी, 8000 या उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो कितने टाइम पीरियड में देखने को मिल पाएंगे, अगर आप बता पाएं तो ऑलमोस्ट कितना टाइम फ्रेम रहेगा इसके लिए? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि कब लेवल्स देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको 8000 के लेवल एक हफ्ते के दरमियान ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है और उठा पटक का माहौल काफी रहता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, और जब सभी एक तरफा रैली खेलते हैं तो उसमें लेवल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपको एक हफ्ते के अंदर ही 8000 से ऊपर के भी लेवल देखने को मिले, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी अभी जो है उसको टाइम लग सकता है बनते हुए। तो अभी जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7000 के ऊपर निकलता है तो आपको 7500 से 7800 का स्तर अभी हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही ये लेवल्स देखने को मिले, और जो 8000 के ऊपर के लेवल है उसके लिए हम मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर भी संभव है कि ये लेवल आ सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ राम सिंह जी, जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है। रूपा जी, कॉटन में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? एमसीएक्स कॉटन में तो हमने देखा है कि 34000 से 31000 तक के लेवल बनते नजर आए हैं, वहीं हाजिर मंडियों में देख रहे हैं कि 10000 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल चुके हैं, 10000 से ऊपर भी कपास बिकती नजर आई है, ऐसे में वायदा और हाजिर दोनों में कॉटन की कीमतें क्या रह सकती हैं?
देखिए जहां तक कॉटन की कीमतें हैं, ये तेजी का ही रुझान है और 10,500 तक मान के चलिए कि मंडियों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कॉटन की फसल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है कीटों के प्रकोप की वजह से, और आगे चलकर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस जो है वो अपसाइड में ही बने रह सकते हैं। 10,500 तक मैक्सिमम हम हाजिर मंडियों के अंदर भाव देख सकते हैं, और वायदा की बात करें तो 33,000-33,500 का स्तर एक बार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। जी रूपा जी, जैसे हमने वायदा बाजारों में काफ़ी अच्छी तेजी आते हुए देखी थी कुछ समय पहले, चाहे ग्वार हो, सरसों हो, चना हो या सोयाबीन हो, हमने इन सभी कम्युनिटीज़ में काफ़ी अच्छी तेजी आते हुए देखी है। रूपा जी, यही सारी कम्युनिटीज़ किसान और जो ट्रेडर्स हैं वो हाजिर में भी रखते हैं, तो दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जो जानना चाह रहे हैं कि वायदा में ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो तेजी में रह सकती है और उसका असर हाजिर में देखने को मिले, जिसकी वजह से हाजिर में भी उनका स्टॉक करके चला जा सके। देखिए इसका एग्जांपल तो आप देख ही रहे हैं, सोयाबीन है, आप सोयाबीन के अंदर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बिनोला खल के अंदर कर सकते हैं। आगे बिनोला खल तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, हाजिर के साथ साथ वायदा के अंदर भी दोनों में तेजी बन सकती है। जी, तो यानी कि सोयाबीन और बिनोला खल दोनों में हाजिर में भी तेजी बनती नजर आ सकती है, तो आप ये दोनों कृषि जीन्स रोक कर यानी स्टॉक करके चल सकते हैं, आगे भी ये आपको अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती हैं। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जो मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं, मक्के में आगे कैसा रुझान रहेगा? देखिए मक्के में अभी गिरावट है अखिलेश, मक्के में तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मक्के के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, बात करें अगर चावलों की, तो चावल में चाहे नॉर्मल हो या फिर बासमती राइस हो, हमने दोनों के निर्यात में तेजी आती हुई देखी है, जिसका असर भारतीय निर्यात पर भी पड़ता नजर आ रहा है और भारतीय निर्यात में भी हमने तेजी आती देखी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से भारत के चावल की जो डिमांड है लगातार विदेशों में बढ़ रही है, खासकर की खाड़ी और यूरोपियन देशों में, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है अब भारतीय चावलों में कम होने लगा है, जिसकी वजह से निर्यात मांग भी बढ़ रही है, तो क्या ऐसे में आ गए चावलों की कीमतों में कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल चावल के अंदर तेजी बन सकती है, अभी यूरोपियन देशों से अच्छी खासी डिमांड निकल रही है जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। वहीं दिवाली के बाद हमने बासमती धान की आवक भी देखी है मंडियों में होती हुई, और जिसमें अगर देखें तो शुरुआत में भाव जो है 3800 रुपए प्रति क्विंटल तक थे और वो धीरे धीरे उनमें अपसाइड मोमेंटम आया और 4400 तक मैक्सिमम हमने एक बार ऊपर जाते हुए भावों को देखा है। तो अब यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4400 वाले भाव जो है वो 4600-4800 तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बासमती के अंदर भी तेजी बन सकती है, बासमती के साथ साथ अगर बात करें 1509 की भी, उसमें भी तेजी बन सकती है। मुच्छल के अंदर भी धान के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। पीआर धान के भाव अभी फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे चलकर जो अभी भाव जो 1800 से पीआर के भाव 1800 से 1850 है, जबकि एमएसपी 1960 है, तो एक्सपेक्टेड है कि एमएसपी तक भाव पहुंच सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं बिल्कुल अभी अभी हमारे साथ कोमलकांत कुशवाहा जी, जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गेहूं में आगे जाके और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए गेहूं में फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो मेरे हिसाब से गेहूं में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी, तो यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा है और पहले भी हमने जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, लगातार तेजी होते हुए देख रहे हैं। जो भारत है गेहूं का लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड उत्पादन करता नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी भारत के पास गेहूं का इतना स्टॉक है कि जो कीमतें हैं उनमें ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी, तो डिमांड चाहे कितनी भी बढ़ जाए तो सप्लाई है डिमांड से गेहूं की ज़्यादा है, जिसकी वजह से कीमतों में नरमी देखने को मिल पाएगी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए आसाराम लडाने जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आया है, इनका सवाल है बिनौला खल में लॉन्ग टर्म में बाई करें क्या, या वापस 2400 तक जा सकता है क्या, लॉन्ग टर्म में बाई करके चला सकता है बिनौला खल में, यानी कि 2022 की अवधि तक बिनौला खल में दाव लगा के चला जा सकता है अगर नीचे में 2400 या 2500 तक देखने को मिलता है तो? बिल्कुल बाइंग किया जा सकता है, जो भी नीचे के स्तर मिले उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, हम ऊपर में 3000-3200 का लेवल एक बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल धनिए को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि धनिए में हाजिर भाव कहां तक जा सकते हैं अगले साल तक, 2022 तक?
देखिए धनिया में तेजी है, आप मान के चलिए कि 2022 में करंट लेवल से 10 से 15% का उछाल जो है आपको साल के शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक हैं जो लगातार सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सरसों में आगे क्या और तेजी देखने को मिल पाएगी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो सरसों है हाजिर मंडियों में 9,000 के ऊपर तक दिखती नजर आ चुकी है। देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सरसों में भी बूस्टअप आ सकता है और सरसों के प्राइसेस भी आगे चलकर तेजी में जा सकते हैं और 9,000 से लेकर 9,500 तक की तेजी जो है वो सस्टेनेबल रह सकती है। जी रूपा जी, दिनेश कुमार जुड़े हुए हैं जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने वायदा में तो देखा है कि जीरे में थोड़ी हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन क्या हाजिर में भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्या हाजिर में भी यही रुझान रहेगा? देखिए बिल्कुल प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा भी तेजी बनी नहीं है, थोड़ा बहुत जो हमने एक महीने के अंदर 10% का रिटर्न आते हुए देखा था, अब वो वापस से वही उन्हीं लेवल्स पर मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बाजार करेक्शन में जा सकता है। जी रूपा जी, मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं जो शुगर के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या शुगर में, चीनी में आगे तेजी आ सकती है? देखिए नहीं, शुगर में अभी थोड़ा बहुत बाजार उठ सकता है क्योंकि आगे चल के अभी डिमांड जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में निकल सकते हैं और उसके चलते हो सकता है आपको कुछ एक मतलब अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक हैं देव चंद्रावत जी जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन दिसंबर के एक्सपायर होते होते क्या लेवल देखने को मिल पाएगा? देखिए सोयाबीन 7500 से 8000 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है, उम्मीद की जा सकती है इन लेवल्स की। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह में भी वो अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती है? देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल बिनोला खल एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा दे सकती है और इसके साथ साथ सोयाबीन, फिलहाल ये दोनों कमोडिटीज ही खरीदारी के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोयाबीन हो चाहे बिनोला खल हो, दोनों ही कमोडिटी में रहा जा सकता है, चाहे वायदा बाजार की बात करें चाहे हाजिर की। निचले स्तर पर खरीदारी की मौके ढूंढें और रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स पर खरीदारी करें और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ साल 2021 के अंत तक नहीं, साल 2022 तक आपको अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती हैं। तो इनमें निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, हाजिर में भी स्टॉक करके रखा जा सकता है। साल 2022 तक आपको ये दोनों कमोडिटी अच्छा मुनाफा देती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हम रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।